ना है। आ गया है। ये लंका क्षेत्र का रहने वाला है अर्जुन देव, शातिर अपराधी है। अभी जनवरी में ही 19 जनवरी को जेल से रिहा हुआ है। ये और इसका एक साथी पंकज यादव दोनों दो दिन आगे पीछे रिहा हुए। इन लोगों ने हमारे क्षेत्र के एक मुकेश और संजय यादव, जो गैंगस्टर है संजय यादव जेल में बंद है, उसके कहने पे मुकेश की हत्या करने का इन लोगों के ने मन बनाया था, इरादा किया था। और उसी क्रम में इन लोगों ने मुकेश से रंगदारी की मांग की थी 5 लाख रुपये की, और जिसका FIR मुकेश द्वारा लिखाया गया था, और उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनको पकड़ा गया असलहे के साथ, और इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। सर पूर्व इतिहास भी रहा है क्या? पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है, 8 मुकदमे हैं, गैंगस्टर 302, 307 सारे मुकदमे, बड़े बड़े मुकदमे इनके विरुद्ध रहे हैं। किसी गैंग से ताल्लुक भी रखते हैं? ये जेल में बंद संजय यादव और अशोक यादव, इन लोगों ने गैंग, इनका एक गैंग है जिस गैंग से ये ताल्लुक है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी जेल रोड से हुई है, सेंट्रल जेल रोड से। क्या बरामद की सर इनके कब्जे से? इसके कब्जे से एक नाजायज असलहा बरामद है, कारतूस बरामद है, और बाकी इसके मोबाइल फ़ोन है जिसके माध्यम से इसने सारी चीज़ें जो बात की थी जेल के नंबरों से, जो इसकी बात हुई है, और सारी चीज़ों की जांच भी की है। सर इस मामले में कुल कितने वांछित हैं, कितने अभी? इस मामले में इसका साथी पंकज यादव, जो इससे मिलने के लिए आने वाला था लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद वो नहीं आया, एक वो भी शातिर अपराधी है, अभी जेल से छुटा है, एक उसकी तलाश है। दूसरा रॉबिन सिंह, जो इन सबों को मैनेज करता था इन सारी चीज़ों को, उसकी तलाश है। और दो अपराधी जो जेल में बंद हैं, उनको जिन्होंने इसको इस काम के लिए इन सबों की जमानत कराई थी, वो भी इसमें।